Hachi, excited? Huh? Sit down, sit down. अपनी कंट्रोल होएगा ये अपनी कंट्रोल होएगा हाँ बड़ा हो गया इतना हाँ अब तो और बड़ा लग रहा है पहले से अच्छा हाँ अब तो धक्के मार रहे हैं बिस्किट कहाँ गया बिस्किट वो बाइक थैले में हेलो फ्रेंड्स तो मैं आपको आज हाची की स्टोरी बताता हूँ हाची हमारा छोटा सा डॉगी ये हमने परचेज किया था एक डॉग ब्रीडर से पहले हमारी जो थॉट थी कि हम एक गोल्डन रिट्रीवर लेंगे तो हमने हाची को देखा और डिसाइड कर लिया कि हमें यही हस्की डॉग लेना है क्योंकि इतना क्यूट था इतना ये गोलू मोलू सा लगता था ये सबसे ब्यूटीफुल जो हाची का फीचर था जो हमें अच्छा लगा जिससे जिसने हमें अट्रैक्ट किया वो थी इसकी आईज़ इसकी आईज़ बिल्कुल ब्लू हैं और अभी थोड़ी लाइट हो गई हैं पर जब हमने इसको परचेज़ किया था तब बहुत ही स्काई ब्लू एकदम आईज़ थी इसकी हाची गुड़गांव में बहुत खुश था और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे फ्रेंड्स इन द सेंस कि जैसे मेरे बच्चे हैं और मोहल्ले के भी बच्चे हैं सब पार्क में जाके खेलते थे इसके साथ तो ये बहुत ही खुश था गुड़गांव के अंदर और फिर मुझे अपने किसी काम की वजह से रामगढ़ में जो मेरा फार्म है मुझे वहाँ पे आना पड़ा वहाँ पे मैं एक महीने के लिए रुका और हाची मेरे साथ रामगढ़ में ही रुका फिर गुड़गांव में गर्मी बढ़ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना हाची को मैं अपने फार्म में रामगढ़ में ही छोड़ूं क्योंकि एक हस्की डॉग है और इसको हमेशा ठंडे माहौल में रहना की आदत है इसको इसके जीन्स ही ऐसे हैं इसके तो गुड़गांव में रखने की बजाय जहाँ पे ये सारा दिन बंद रहेगा और एसी में रखना पड़ेगा इसको तो इसकी लाइफ में कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो मैंने सोचा डिसाइड किया कि मैं इसको रामगढ़ में ही सेटल करता हूँ इसको ये है हाची का फेवरेट टॉय ये जो चीड़ का फूल है इसको ये मुंह में डाल के बहुत भागता है अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं ये कितना दीवाना है इसका रामगढ़ में आने के बाद हाची ने खूब एंजॉय किया हाची। इस हिली हाची। एरिया को मेरे साथ काफ़ी ट्रैक्स भी किए इसने जिसके मैंने अलग से वीडियोस बनाए वो डाले भी आप शायद आप लोगों ने देखे होंगे हाची फिर एक महीने हाची मेरे साथ यहीं पर रुका रामगढ़ में और मुझे फिर गुड़गांव जाना पड़ेगा डेफिनेटली वो मेरा होम है बट हाची को मैं वापस नहीं लेके जा सकता था क्योंकि उस वक्त गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी गुड़गांव के अंदर तो मैंने यहाँ पे केयर टेकर अपॉइंट किया और हाची को वहीं पे छोड़ा अपने फार्म पे और केयर टेकर ने इसकी देखभाल करना स्टार्ट की तो उसके बाद ये आज से 2 महीने पहले की बात है हाची का और मेरे बच्चों का कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ और मेरे बच्चे जैसे थे वहाँ पे अपने स्कूल में बिजी थे और मेरी फैमिली में से सिर्फ मेरी वाइफ ही एक बार 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आई सिर्फ हाची ने फिर हमें बहुत ही मतलब मेरी फैमिली को बहुत ही कम देखा तो इस बार हम सारी फैमिली समर वेकेशंस के अंदर वापस आए रामगढ़ के अंदर और जैसा आपने देखा मेरे इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि हाची ने सबको पहचान लिया मेरे को तो जानता ही हो कि मैं आता जाता रहता हूँ बाकी बच्चों को भी इसने अच्छी तरीके से पहचान लिया और बच्चों को देख के कितना ये जंप कर रहा था बच्चों के साथ उनके साथ खेल रहा था इंटरेक्ट कर रहा था तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि छोटा सा हाची जब इन्होंने हाची को यहाँ भेजा था रामगढ़ में मेरे साथ तो ये बहुत छोटा सा था और अब ये मतलब 6 मंथ्स का हो गया है और ही इज़ ग्रोन हाफ ऑफ हिज साइज क्योंकि जो डॉग्स होते हैं 1 साल के अंदर पूरी अपनी हाइट और वेट गेन कर लेते हैं तो ही इज़ स्टिल गेनिंग बट अब काफ़ी हाची यहाँ पे खुश है रामगढ़ के माहौल में इन पहाड़ियों पे चढ़ता है कूदता है फानता है और इसके साथ खेलने के लिए और भी बहुत सारे डॉग्स हैं तो आई थिंक इट्स अ बेटर डिसीजन टू ब्रिंग हाची टू द रामगढ़ एंड ही कैन लिव हिज लाइफ फुली देखो हाची खेल रहा आज ये काफ़ी दिन से सुस्त था पर आज बरसात हुई है और वेदर अच्छा हो गया है सुबह सुबह तो आज इसमें एनर्जी काफ़ी है
क्योंकि बहुत जल्दी इसको गर्मी फील होती है, पर आज ठंडक है तो ये इंजॉय कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हाची पसंद आया, हाची की ये नोटी नोटी हरकतें पसंद आईं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।